सामाजिक सरोकार में बेहद सक्रिय अग्रसेन सेवा संघ की मेहनत आखिरकार रंग लाई। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रायगढ़ शहर के रामनिवास टाकिस चौक में स्थापित महाराजा अग्रसेन की मनमोहक प्रतिमा का लोकार्पण कर इसे रायगढ़ वासियों को समर्पित किया। इस मौके पर कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे। सामाजिक सरोकार में बेहद सक्रिय अग्रसेन सेवा संघ की मेहनत आखिरकार रंग लाई। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने शहर के रामनिवास टाकिस चौक में स्थापित महाराजा अग्रसेन की मनमोहक प्रतिमा का लोकार्पण कर इसे रायगढ़ वासियों को समर्पित किया। इस मौके पर कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह भी विशेष रूप से मौजूद थे। रामनिवास टाकिस में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का श्री गणेश किया। कैबिनेट मंत्री और अतिथियों का अग्रवाल समाज की महिलाओं ने परंपरा अनुसार तिलक लगाकर अभिनंदन किया। इसके बाद अग्रसेन सेवा संघ के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण से आत्मीय स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सूत्रधार यानी अग्रसेन सेवा संघ के अध्यक्ष ने अपने संघ की सर्व समाज के लिए किए कार्यों की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए इस मौके को यादगार बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने गर्वीले लहजे में कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि खासकर धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रवाल बिरादरी का 85% योगदान होता है, यानी धर्मांतर के लिए समर्पित रहना ही हमारा उद्देश्य है। रायगढ़ में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण वास्तव में यहाँ के लिए गौरव का विषय है। गौरतलब है, शहर में स्थापित महाराजा अग्रसेन की संगमरमरी मूर्ति को राजधानी रायपुर के राम मंदिर में प्रतिमा तराशने वाले जयपुर के कलाकार के हाथों से बनवाया गया है। रायगढ़ के अग्रसेन समाज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि बरसों पुरानी इनकी मूर्ति स्थापना का सपना जो पूरा हुआ, यही वजह है कि अग्रवाल बिरादरी के लोग काफी खुश हैं। बहरहाल 7 सितंबर रायगढ़ के अग्रवाल समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर कुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की राजधानी प्रतिमा का अनावरण जो कैबिनेट मंत्री के कर कमलों से गरिमामय माहौल में हुआ। देखिए, अभी हमारी सरकार ने, अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जमीनों का आवंटन में बहुत सी जटिलताएं जो होती थी, तो जैसे सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, हॉस्पिटल या अन्य प्रयोजन के लिए जो जमीनों की समस्या आती थी, तो जो शासकीय जमीन है उसको हम लोग आवंटन उसमें उसी आधार पर करेंगे, जो उससे जो भी संस्था रजिस्टर्ड होगी उसको जमीनों का आवंटन विधिवत नियम अनुसार किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, रायगढ़ से काफ़ी पुराने संबंध हैं, पुराना नाता है, और यहाँ रायगढ़ अग्रवाल समाज ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया है। आज महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का यह स्थापित करके उसका अनावरण कराया है, और इस अवसर पर मुझे पहुँचने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बात आपने कही, कई बार होता है पट्टों के लंबित मामले रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ में काफी राजस्व की हानि हो रही है, इसमें सरलीकरण किस बात का रखा है आपने? देखिए, पट्टों का नवीनीकरण हो रहा है, और अभी हमने जो आवंटन की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने फ्री होल्ड करने का भी निर्णय लिया है कि जिसका भी पट्टा है 10 साल 20 साल 30 साल पुराने जो पट्टे हैं लोगों के, उसमें एक निर्धारित शुल्क लेके उसको फ्री होल्ड करके उसको मालिकाना हक भी प्रदान किया जाएगा। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि सरकार अब अपने आर्थिक मंदी दूर करने के लिए सरकारी जमीनें बेचने के जो प्लान बना रही है। देखिए, भाजपा ने कितनी जमीनें सरकार की अलग से पैदा कर दी हो तो मैं नहीं जानता, और जो सरकारी जमीनें जैसे इंक्रोचमेंट होता है, तो इंक्रोचमेंट होगा तो वो तो यूजलेस है, और उसके बजाय अगर मान लीजिए निर्धारित शुल्क लेके उस जमीन का आवंटन किया जाता है, तो कोई उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सत्ता में रही, बहुत से ऐसे काम थे जो जनहित में समाज हित में कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, तो अब उनके पास आरोप लगाने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ बड़े पैमाने झुग्गी झोपड़ी है जिनके लंबे समय से पट्टे की मांग कर रहे हैं, नगरीय निकाय मामले, नगरीय निकाय हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, जो हमारी राजस्व भूमि है, नजूल भूमि है, उसमें सरकार द्वारा उनको पट्टे आवंटित किए जाएंगे, और पट्टे वितरित करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी वन भूमि पट्टा पे शायद हाई कोर्ट ने एक रोक लगाई है, लेकिन ये चुनाव के नाम से लगाई गई होगी, आगे चल के
जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके मुताबिक आगे वन भूमि के पट्टे भी आवंटित किए जाएंगे और नजूल भूमि के पट्टे भी आवंटित किए जाएंगे और जो भी झुग्गी झोपड़ी है उनको उजाड़ने की बजाय उनको वहीं पर व्यवस्थित किया जाएगा। बहुत खुशी का अवसर है आज कि महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ और अनावरण में सर्व समाज उपस्थित है, ये भी एक खुशी का अवसर है। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, हमारे अग्र समाज के शीर्ष मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर भाई सलीम और हमारे समाज के जो है रामदास अग्रवाल जी, लेंद्रा जी और हमारी सुषमा डालमिया जी और कोरबा के अग्रवाल महासभा के श्रीकांत बुधिया जी, सब पूरा समाज उपस्थित था। बड़ा गौरवशाली आज का दिन है और मैं हमारे जयसिंह अग्रवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब हमारा 6 महीने बाद भवन भी बनेगा जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। और पूरा मीडिया जगत का मैं आभारी हूँ कि आप मेरा कदम में कदम मिलाकर साथ चलते हैं और हर चीज़ में आप मेरा साथ देते हैं। मैं मीडिया का भी पूरा पूरा आभारी हूँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।